दोस्तों, आज हम ऐसी एक कंट्री की बात करेंगे जो हर एक इंडियन की पहली पसंद है और मेरे हिसाब से हर इंडियन के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ट्रिप के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। हालांकि थाईलैंड की इमेज ज्यादातर लोगों के दिमाग में नेगेटिव बनी हुई है, लेकिन आपको आज इस वीडियो में मैं थाईलैंड की एक्चुअल जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें थाईलैंड क्यों जाना चाहिए। थाईलैंड अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और अपने टेम्पल्स के लिए काफी फेमस है, तो आज इस वीडियो में आपको थाईलैंड ट्रिप की कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है और वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा थाईलैंड ट्रिप बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ये आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको फ्लाइट से लेकर वीजा से लेकर के और होटल से लेकर के और डेस्टिनेशन से लेकर सब जानकारी देने वाला हूँ। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम थाईलैंड ट्रिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थाईलैंड ट्रिप को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बैंकॉक पटाया की 5 नाइट्स की ट्रिप और एक पार्ट में मैं बताऊंगा आपको फुकेट और कराबी की 5 नाइट्स की ट्रिप। तो चलिए समय खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं कि हम थाईलैंड पहुंचेंगे कैसे। तो दोस्तों, थाईलैंड पहुंचने का एकमात्र सबसे आसान रास्ता है वो है फ्लाइट से। चलिए फिर पहले बैंकॉक पटाया की ट्रिप के बारे में बात करते हैं। तो बैंकॉक पटाया की ट्रिप को करने के लिए आपको बैंकॉक की एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। बैंकॉक में दो एयरपोर्ट्स हैं, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और डोंग म्योंग एयरपोर्ट। बजट एयरलाइंस लाइक एयर एशिया ज्यादातर डोंग म्योंग एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्रीमियम एयरलाइंस स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पर लैंड करती है। और इंडिया से बैंकॉक की रिटर्न फ्लाइट आपको लगभग 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में पड़ने वाली है। जैसे कि अगर हम चार मेजर सिटीज से देखें तो दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट आपको 15,000 से 18,000 रुपए के बीच में पड़ेगी। मुंबई टू बैंकॉक 15,000 से 17,000 के बीच में पड़ेगी आपको। चेन्नई से बैंकॉक आपको 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में पड़ेगी और कोलकाता से बैंकॉक आपको लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में पड़ेगी। फ्लाइट्स के बाद हम बात करेंगे वीजा की। वैसे तो थाईलैंड के वीजा तीन टाइप्स के होते हैं, स्टिकर वीजा, ई वीजा और वीजा ऑन अराइवल। पर हम इस वीडियो में आपको वीजा ऑन अराइवल में क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने वाली है उसकी बात करेंगे। थाईलैंड वीजा ऑन अराइवल के लिए चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी के साथ। उसके बाद चाहिए आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप पहले से डाउनलोड करके भी लेके जा सकते हैं या फिर आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी साइज होगी 3.5x4.5 सेंटीमीटर। और याद रखिए ये फोटो आप इंडिया से ही लेकर के जाएं बिकॉज थाईलैंड के एयरपोर्ट पे आपको 700 baht के लगभग 4 फोटोज पड़ेंगी जिसकी इंडियन रुपीज में कॉस्ट 1500 से 1800 रुपए के आसपास आती है। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कंफर्म रिटर्न फ्लाइट मांग सकता है। देन आपको चाहिए कंफर्म प्रूफ ऑफ होटल बुकिंग। उसके बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स। अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो मिनिमम 10,000 baht कैरी करने पड़ेंगे और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 20,000 baht कैरी करने पड़ेंगे। और जो थाईलैंड वीजा अराइवल फीस है वो है 2,000 baht नॉर्मल एंट्री और 2,200 baht एक्सप्रेस एंट्री। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक्सप्रेस एंट्री लेनी पड़ेगी बिकॉज नॉर्मल एंट्री में काफी इमिग्रेशन ऑफिसर हैरेस करते हैं। और वीजा ऑन अराइवल का जो मैक्सिमम स्टे है वो है 15 डेज का। दोस्तों, वीजा के बाद आता है सिम करेंसी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सिम के लिए आप AIS ट्रैवलर सिम ले सकते हैं या फिर ट्रू 5G सिम ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट आपको 299 baht से लेकर के 999 baht तक पड़ सकती है। अब बात करें करेंसी की तो थाईलैंड की करेंसी थाई बात है जिसकी वैल्यू 2.5 इंडियन रुपीज के लगभग रहती है। तो मैं आपसे जिसकी प्राइस बात में बात करूंगा तो आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेजरली थाईलैंड में ग्रैब या फिर उबर यूज होता है। ज्यादातर लोग ग्रैब यूज करते हैं क्योंकि ग्रैब चीप पड़ता है उबर से। और दोस्तों, मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देना चाहता हूँ। अगर आप एशिया में कहीं पे भी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वेबसाइट ऑलमोस्ट पूरे एशिया में वर्क करती है। ये वेबसाइट है 12.goasia। लेकिन दोस्तों, 12.goasia आपको कंफर्म टिकट नहीं देती है, वो आपको एक वाउचर देती है। वो वाउचर ले जाकर के आपको बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर ले जाकर दिखाना होगा और वहां से आपको कंफर्म टिकट मिलेगी। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। और अब बात करते हैं अकोमोडेशन और फूड की। तो थाईलैंड में अकोमोडेशन मिनिमम 3 स्टार 1200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक आराम से मिल जाएगा। और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हॉस्टल में बंक बेड मिनिमम 200 रुपए में आराम से मिल जाएगा। और फूड की बात करें तो एशिया में फूड ऑलमोस्ट सब जगह पे 800 रुपए से 1200 रुपए तक का पर डे का पड़ जाता है। और अब बात करते हैं कि बैंकॉक पटाया में आप घूमेंगे कहाँ कहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकॉक की। बैंकॉक में आपको कहाँ कहाँ पर घूमना है, तो बैंकॉक में आप घूम सकते हैं ग्रैंड पैलेस,
जिसकी एंट्री टिकट है 500 बात। ग्रैंड पैलेस 1782 से किंग्स ऑफ सियाम का रेजिडेंस रहा है। इसके अलावा डे वन में आप घूम सकते हैं वाटर ऑन टेम्पल, जिसकी एंट्री टिकट आपको लगभग पड़ेगी 100 बात के आसपास। और इवनिंग में आप जा सकते हैं एशियाटिक डिनर क्रूज। बैंकॉक में मेकोंग रिवर में इवनिंग क्रूज चलता है, जिसमें आप डिनर का मजा ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 1000 बात तक पड़ सकती है। ये क्रूज लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है। डे टू में आप प्लान कर सकते हैं सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क। इसकी एंट्री टिकट मरीन पार्क की लगभग 1300 बात होती है और सफारी वर्ल्ड की लगभग 1000 बात होती है। और अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क की टिकट आपको लगभग 1500 बात तक की पड़ सकती है। मरीन पार्क और सफारी वर्ल्ड बैंकॉक की मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर आपको डॉल्फिन शो, सी लायन शो और काफी सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगी। आपका सेकंड डे लगभग पूरा सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क में ही कंज्यूम हो जाएगा। लंच के लिए आपको सफारी वर्ल्ड में काफी सारे कैफेज मिलेंगे, तो आप वहाँ पर लंच ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि थाईलैंड अपने नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस है, तो नाइट लाइफ के लिए आप थाईलैंड में नाना प्लाजा या फिर खाओसांग रोड पे भी जा सकते हैं। जहाँ पर आपको काफी सारे क्लब्स, बार और लाउंजेस मिलेंगे, जहाँ पर जाकर के अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकॉक में आप चतुचक वीकेंड मार्केट भी विजिट कर सकते हैं। ये भी बैंकॉक का मस्ट विजिट प्लेस है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है, तो आप चतुचक वीकेंड मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं। डे थर्ड पे आप निकलेंगे पटाया के लिए, जिसका डिस्टेंस बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर है। और आपको बस लेनी होगी मोचित बस स्टेशन से, जिसकी कॉस्ट आपको लगभग 150 से 200 बात के बीच में पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप डे वन पे ही पटाया जाना चाहें तो आपको एयरपोर्ट से भी पटाया के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी 300 से लेकर के 400 बात तक। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि पहले 3 डेज पटाया कर लें, लास्ट के 2 डेज बैंकॉक कर लें, या फिर पहले 2 डेज बैंकॉक कर लें, लास्ट के 3 डेज पटाया कर लें। पटाया में डे वन में आप विजिट कर सकते हैं श्रीराजा टाइगर जू। टाइगर जू की एंट्री की तो कोई फीस नहीं होती है। इसमें जो चार्जेस लगते हैं वो टाइगर के साथ फोटो खिंचाने के लगते हैं, और ये अलग अलग टाइगर के साथ वेरी करता है। लाइक आप बिग टाइगर के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं तो 1000 बार, मीडियम के साथ में 800 बार, और जैसे आप कब को दूध पिलाना चाहते हैं तो उसका अलग चार्जेस होता है। तो इसमें अलग अलग चार्जेस वेरी करते हैं। तो आप श्रीराजा जू को विजिट कर सकते हैं डे वन में। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं फ्लोटिंग मार्केट। ये भी पटाया की एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप फ्लोटिंग मार्केट बाहर से ही देखना चाहते हैं तो उसकी एंट्री फीस होती है 200 बार, और अगर आप बोट लेते हैं तो आपको 800 बात लगेंगे। एंड देन नाइट लाइफ के लिए आप पटाया की वर्ल्ड फेमस वॉकिंग स्ट्रीट में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी सारे बार, लाउंजेस और क्लब्स मिलेंगे, जहाँ जाकर आप अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डे टू की शुरुआत आप पटाया में कोरल आइलैंड ट्रिप से करेंगे। अगर आप कोरल आइलैंड का ग्रुप पैकेज लेते हैं तो वो लगभग आपको 1400 से लेकर 1500 बात का पड़ेगा, जिसमें आपका होटल से पिक एंड ड्रॉप इंक्लूड होगा, लंच इंक्लूड होगा और आपकी स्पीड बोट इंक्लूड होगी। और अगर आप बजट में कोरल आइलैंड पहुंचना चाहते हैं तो आपको बाली हाई पायर पे पहुंचना होगा, जहां से आपको पब्लिक फेरी लगभग 30 बात की मिल जाएगी और स्पीड बोट लगभग आपको 150 बात तक की मिल जाएगी। कोरल आइलैंड अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है, तो कोरल आइलैंड जाकर के आप काफी सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, लाइक जेट स्की, अंडर वाटर वॉक, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग भी आप वहां कर सकते हैं। तो अपने बजट के हिसाब से आप अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और इवनिंग में आप पटाया में अलकाजार शो को एंजॉय कर सकते हैं, जो की एक वहां का ट्रेडिशनल कैबरे शो है, जिसकी एंट्री लगभग 1000 बात तक हो सकती है। अलकाजार शो लगभग 3 शो होते हैं पर डे, जिनकी टाइमिंग है 5:30 PM, 7:30 PM और 9:30 PM। तो आप अपने ट्रिप के हिसाब से अपने शो को बुक करा सकते हैं। दोस्तों, फ्री टाइम रिलैक्स करने के लिए पटाया में बीचेस पे भी जा सकते हैं। पटाया के कुछ फेमस बीचेस हैं, जैसे कि पटाया बीच जो बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के सामने है, और एक और फेमस बीच है जोमेटियन बीच। आप वहाँ पर सनसेट देखने भी जा सकते हैं। डे थ्री या तो फ्री रखते हैं अपने शॉपिंग वगैरह के लिए या सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो आप अंडर वाटर वर्ल्ड जा सकते हैं। वहाँ पर आपको काफी सारी मरीन लाइफ देखने को मिलेगी, जिसकी एंट्री लगभग 500 बात तक की है। उसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ। ये एक अनफिनिश म्यूजियम है पटाया में, जिसको थाई बिजनेसमैन लैक वीरियप्पन ने बनवाया था। ये म्यूजियम स्ट्रक्चर हाइब्रिड मॉडल है टेंपल और कासल का, जिसको अयोध्या किंगडम के थीम पे बनाया गया है। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की एंट्री भी 500 बात तक की है। या फिर थर्ड डे आप अपना नुंगनोज ट्रॉपिकल गार्डन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये आपका हाफ डे टूर होगा और इसकी कॉस्ट आपको लगभग 1200 से लेकर 1500 बात तक की पड़ सकती है। नुंगनोज ट्रॉपिकल गार्डन में आपको बोटानिकल गार्डन मिलेगा, कैक्टस गार्डन मिलेगा, आपको वहां पर एलिफेंट सफारी मिलेगी, डॉल्फिन शो मिलेगा और काफी सारे थाईलैंड के कल्चरल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी वहां पर। तो थर्ड डे को आप अपना नुंगनोज ट्रॉपिकल गार्डन का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने थाईलैंड का बैंकॉक पटाया का 5 nights and 6 days का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से लगभग सारी एक्टिविटीज कवर कर देता है और आपका पूरा ट्रिप कंप्लीट कर देता है। तो फाइनली दोस्तों, हम आते हैं कि हमारे इस बैंकॉक पटाया के ट्रिप में कितना एक्सपेंस होने वाला है। तो आपके बैंकॉक पटाया 5 nights and 6 days के 30,000 to 40,000 के बीच में एक्सपेंस होने वाला है। और अगर आप वाइसली ट्रिप को प्लान करें, लाइक आप अपने फ्लाइट टिकट एडवांस में बुक कर लें, जो कि आप स्काई स्कैनर जैसी वेबसाइट पे जाकर के चेक
कर सकते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं आप कैसे चीप टिकट्स को ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको थाईलैंड की सस्ती टिकट मिल जाती है तो ये ट्रिप आपका 30,000 से 35,000 के बीच में भी कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, फुकेट और क्राबी की ट्रिप का मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बैंकॉक पटाया के ट्रिप के लिए कंप्लीट जानकारी दे पाऊं, और आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आपके लिए ट्रिप को प्लान करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।